नमस्कार आप देख रहे हैं पी डी न्यूज मैं हूं पीसी सैनी राजस्व ग्राम बड़ीढाणी में दीवार को लेकर हुआ विवाद जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व ग्राम बड़ीढाणी में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था पानी की टंकी के लिए भामासा ने जमीन पंचायत को दान की थी टंकी के पास रहने वाले पड़ोसी अपनी दीवार का निर्माण कर रहे हैं जिसका पंचायत ने विरोध किया पंचायत का कहना है कि पड़ोसी टंकी के लिए दान की गई जमीन की सीमा के अंदर आकर अपनी घर की दीवार बना रहे हैं सरपंच रामप्रकाश सैनी जिसे अवैध बताया लेकिन पड़ोसी पप्पुर सैनी का कहना है कि दीवार उनकी जमीन में ही खींची जा रही है इस मौके पर सरपंच सैनी ने जमीन दान करने वाले पक्ष को भी बुलाया और जानकारी ली दान करने वाले पक्ष ने भी दीवार को गलत बताया इस मौके पर कार्य को रुकवाने के लिए सरपंच ने पुलिस को सूचना दी सूचना पाकर पुलिस मौके पर आकर कार्य को रुकवा दिया पुलिस ने कहा कि सीमा ज्ञान करवाकर उचित तरीके से कार्य करें अपनी अपनी मापदंड के अनुसार ही कार्य करें मौके पर पुलिस ने दान की गई जमीन का पट्टा पंचायत से मांगा पंचायत ने पट्टा पुलिस को सौंपा दीवार बना रहे पक्ष को पुलिस ने अपने कागज पेश करने के लिए कहा और आपसी समझाइश से कार्य करने की बात कही देखे रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है मामले को लेकर सरपंच रामप्रकाश सैनी व दीवार पक्ष का क्या कहना है ओपन पे सब है। करें ओपन पे कोई भी है ना उसका। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा बहुत नपती तो, तो पट्टा है ग्राम पंचायत उन्नीस सौ पचासी में बना था जो हमने सरपंच बनाया था और वो पट्टा ना जी ने उन्नीस सौ दो हजार पाँच में बनाया था सर क्या उसमें क्या वहाँ से पकड़ेंगे ना वहाँ से एक सौ दस वहाँ तक आ रहा है

वो बात हम भी मानते लेकिन हमने तो हमारी वर्तमान में जमीन थी सर उसको हम लोग वहाँ से उसको नपती करा के तेरी तेरी नपती करा ले कहां अभी तक तेरी नपती करा ले अगर तेरे तो को दूसरा बुला के करा ले क्या प्रॉब्लम है तेरा पट्टा शहीद है वहां तक कर लीजिए ये बता देंगे यहाँ तक पट्टा है जो डोनेट की जगह तो है।, तो 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 है।, तो है वो तो डोनेट सबके काम की है पानी की टंकी नहीं वो तो नहीं तो यही आ रहे हैं आए नहीं आप नहीं वो तो जो मर्ज जो सबके लिए है वो सबके लिए पूरी जनता के लिए वो तो जो जो, जो तो मेरा मतलब वो सामने में ही उसको वो तो मैं भी समझता हूं सर लेकिन मेरे का मतलब ये है कि

इसकी भी पट्टा ले लो इसका भी ले लो इसका भी ले लो, लो हाँ। तीनों का ले लो सारे पट्टे। जहाँ पे कंफर्म हो जाएगी जहाँ सारे पट्टे। सर, सर मामला क्या था ये मामला ये था कि अपनी जो डाणी में टंकी पानी की स्कीम से, सेंक्शन की थी पानी की स्कीम बनी थी उसमें जगह की प्रॉब्लम थी तो भामाशा को तैयार करके और पट्टा सुधा पैंसठ बाई जगह ली गई थी टंकी का निर्माण हो गया और हो गया और अब उनने तहसील में जाके डोनेट की थी लीगल प्रोसेस से सारे काम हुए थे अभी क्या है कि वहाँ मौके पे जगह है ना वो पंद्रह पंद्रह बीस फीट दोनों साइडों से दोनों तीनों साइडों से कम हो रही है अभी निर्माण कर रहे हैं जगह को छोड़ गए यानी कि टंकी वाली जो जगह है उसके अंदर निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में आए थे उनको समझाए थे कि जिन जिस बामसा ने डोनेट किया है उसने तो डोनेट किया है आप इस जगह का लेके क्या करोगे और बस्ती की इस जगह बस्ती के काम आएगी सभी की है ये था मामला तो इनको समझाए थे समझाइश से नहीं माने प्रशासन भी आया तो उन्हें भी इनको समझा के गए हैं और जो जगह डोनेट की है उसका उसका भी पट्टा दिया है आगे जो थे उसका भी पट्टा है उत्तर साइड में जो जगह है उसका भी पट्टा है बाकी एक साइड में जहाँ विवाद चल रहा है उनके पास शायद डॉक्यूमेंट्स होगा भी लेकिन उन्हें मौके पे तो दिया नहीं है यह विवाद था आगा, आगामी कार्रवाई क्या रहेगी पंचायत आगामी कार्रवाई यह रहेगी एक तो सामाजिक समझाइश से मिल बैठ के जो भी है वो निर्णय करते हैं तो बैठ के आ जाएगा नहीं इस फिर लीगल प्रोसेस है जिसके जो डॉक्यूमेंट्स में है उसकी वहाँ रहेगी इसमें कोई नई बात नहीं है थैंक यू इस मामले में आपका क्या कहना है मेरा यही कहना है इस मामले में जो ये जो काम हो रहा ना जो सरपंच जी जो काम एक कदम उठा रहे ना ये बिल्कुल गलत है जो उन्नीस में जो ये पट्टा बना था तो पहले के टाइम में क्या था कि नहीं तो नोटिस जारी करते थे नए वार्डपंच वगैरह ने, ने कोई जगह को देखने के लिए आते थे नए कोई पड़ोसियों को जो भी मकान होते थे न उनको नोटिस थमाते थे अभी ये लोग क्या है कि गुपचुप में बैठ के उन्नीस सौ अठासी में ये पट्टा जारी कर दिया गया इसके बाद में ये लोग क्या हुआ कि इस जगह को डोनेट करवा के इसके बाद में ये निर्माण कार्य शुरू किया तो मैंने इसमें जो पट्टे में जो पट्टा बनाया गया उन्नीस सौ अठासी में उसमें मेरे परिवार रहता है मेरे परिवार लंबा चौड़ा है हम लोग सौ डेढ़ सौ आदमी की पॉपुलेशन हमारी उसको मतलब इतना बेवकूफ़ बनाया ये लोग कि हमारे तो मकान ही नहीं दर्शाए ये लोग पट्टे में पट्टे में ठीक है पट्टे में खाली ओनली तीन फुट की रास्ते पगडंडी दिखाई गई बाकी मेरा परिवार हमारी गुवाड़ी रहती है उनको दर्शाया नहीं गया बाकी दूसरे को पड़ोसी थे उनके दो मकान दर्शाए गए बाकी जो हमारे जमीन थी पैतृक हमारी जमीन थी हमारे को उन्होंने दर्शाया नहीं ये जो आदमी उन्नीस मतलब उनको यहाँ से गए हुए कम से कम भी पैंसठ साल हो गए सिक्सटी फाइव हो गए उनको यहाँ से गए हुए ठीक है अभी वो लोग क्या है कि पट्टा जारी करने के बाद में इसको डोनेट करने के बाद में वो लोग क्या है कि यदि पहले बाउंड्री करवाते तो मैं इसको टंकी को निर्माण कार्य नहीं करवाने देता था क्योंकि हमारी जगह हम लोग न तो इंच जमीन देंगे फालतू न हम लोग इंच जमीन लेंगे जितनी हमारी जमीन है हमारी जमीन मेरे परिवार और मेरे देखो देखे गए थे हमारे को तो इसके बाद में वो तो नोटरी को तो गलत बता रहा है तो वो नोटरी को गलत बता रहा है तो हम पट्टे को कैसे सही मान लेंगे ठीक है हमने क्या है कि बाउंड्री नहीं मारा हुआ था पहले जो मतलब क्या है कि मकान बने हुए थे बाउंड्री पे इसके बाद में उनका मतलब इधर से रास्ता भी नहीं था उन्नीस सौ सत्तर साल में जो भी कोई यहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी है उनको पूछो मतलब 40 साल 35 साल वाले तो यानी कि एंट्री नहीं बोलने का चांस नहीं जो 80 साल 90 साल के बुजुर्ग आदमी है उनसे पूछो इनका रास्ता किधर से था किधर से आते थे जो मालाराम मालाराम जब भी खत्म हुआ उसको किधर से लेके गए थे ये दर्शाओ सरपंच ऐसे बोलेगा ना कि इधर से वो बिल्कुल भी एक भी नहीं चलेगी ये पट्टा जो निर्माण कार्य टंकी को हुआ वो रूढ़ जी के टाइम पे हुआ जो दूसरा पट्टा जारी हुआ उसके बाजू में वो रामनाथ जी के टाइम में हुआ उसमें भी कोई नापजोक नहीं हुआ उसमें भी कोई बल बाउंड्री नोटिस वगैरह नहीं निकाला गया वो भी मतलब क्या है कि पट्टे पे पट्टा जारी हो गया अभी इसका संशोधन कौन करेगा जो पट्टे पे पट्टा बन रहा है उसका संशोधन कौन हो? कौन करेगा ये थोड़ी हो गया कि वो पट्टा पहले बन गया तो पट्टा वो ही चलेगा हमारी नोटरी भी फैल रहेगी दूसरा पट्टा जारी करेगा वो भी फैल रहेगा ऐसे कोई चलने वाली बात थोड़ी है कोई थोड़ी है कि थोड़ी है आगे वाले मरे हुए थोड़ी है कि उनको जमीन दे देंगे भाई डोनेट कर तो अपने खुद के पैसे से डोनेट करो ना हम ना थोड़ी बोलते हैं तो उसको सोल्यूशन देखो हम नहीं तो इंच जमीन देंगे नहीं इंच जमीन लेंगे जो हमारी नोटरी गलत है तो उसका पट्टा भी गलत है तो दूसरी क्या है कि मतलब ये सब सरपंच जी की मिली भगत है क्योंकि उन्होंने जो बामासा ने जो भी ज़मीन दी इनको डोनेट के लिए टंकी के लिए या भवन के लिए जो भी कुछ भी है तो उन्होंने क्या है कि जिसे बामासा को यहाँ पे लेके आते साथ में उसके नाम जो करते आजू बाजू वाले को नाम बाउंड्री करवाते कि भाई आपको हमारे को निर्माण करना है आपने इतना तक अत्यक्रम कर रखा खाली करो या बाजू में बोलते कि उसको भाई यहाँ तक हमारी है उसको खाली करो ठीक है ना तो उसने हमारे को कुछ भी बताया नहीं ये लोग अरे इसके बाद जो दादागिरी से मतलब कर रहे हैं यो नहीं तो पहले हमारी ये तो इनकी चाल थी नहीं हमारे को पहले चिन्हित करते करना चाहिए था ना टंकी नहीं बनी उससे पहले क्योंकि वो लोग भामा से थे ना तो उनको बताना चाहिए था कि हमारी जगह यहाँ तक थी तो हम लोग सोचते कि क्या करना क्या नहीं करना ठीक है ना उस टाइम पे कहाँ गए थे सरपंच वगैरह पर्द कहाँ गए थे सरपंच वगैरह पंचायत कहाँ थी उस टाइम पे डोनेट के टाइम पे ये तो उनकी चाल है ना सरपंच के वगैरह सबकी की कि पहले निर्माण कार्य कर लो निर्माण कार्य के बाद में इनको परेशान करेंगे आजू बाजू वाले को ये थोड़ी चलता है